इरफान खान के बाद बॉलीवुड जगत से एक बार फिर से एक ऐसी खबर आई जिसने लोगों की आंखों को नम कर दिया। बॉलीवुड एक्टर ऋषि कपूर का निधन हो गया। वो 67 साल के थे। महानायक अमिताभ बच्चन ने ऋषि कपूर के निधन की जानकारी दी। ऋषि कपूर ने कैंसर के चलते मुंबई के अस्पताल में दम तोड़ दिया। वो पिछले कुछ दिनों से तबीयत खराब होने के चलते मुंबई के HEN रिलायंस अस्पताल में भर्ती थे। दो दिग्गज अभिनेताओं को गवा देने के बाद फिल्म इंडस्ट्री के लिए बड़ा झटका लग गया है। ऋषि कपूर के निधन से देश में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। सोशल मीडिया पर सेलेब्स फैंस एक्टर के निधन पर शोक जता रहे हैं। बता दें कि ऋषि कपूर ने हिंदी सिनेमा में बड़ा योगदान दिया था। उन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। अमिताभ बच्चन ने ट्वीट कर लिखा, वो गया, ऋषि कपूर गए, अभी उनका निधन हुआ, मैं टूट गया। कपूर फैमिली से रणधीर कपूर ने ऋषि के निधन की खबर को कन्फर्म किया था। बता दें ऋषि कपूर को बुधवार उनके परिवार ने HEN रिलायंस अस्पताल में भर्ती कराया था। उनके भाई रणधीर ने बताया था कि उन्हें सांस लेने में समस्या हो रही थी। परेश रावल ने भी शोक प्रकट किया। अक्षय कुमार ने भी संवेदनाएं जाहिर की, उन्होंने भी ट्वीट किया। दरअसल ऋषि कपूर को कैंसर संबंधित समस्या के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्हें ICU में रखा गया। उन्हें बार बार वेंटिलेटर की भी जरूरत पड़ रही थी और आखिरकार अब वो इस दुनिया से चले गए।